गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हम लोग अपना साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे और आज हमारा लास्ट टॉपिक है अमीबिया। अमीबिया क्या होता है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अमीबिया इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। जो अमीबिया है वो बहुत ही छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है ना। सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है। एक्चुअली अमीबिया इज अ सिंपलेस्ट एनिमल, इसे एनिमल की तरह कंसिडर किया जाता है। अमीबिया लिव्स इन पॉन्ड वाटर, वो पॉन्ड तालाब में रहता है। अमीबिया इज सो स्मॉल डेट इट कैन हार्डली बी सीन विद नेकेड, उन्हें अपनी आंखों से नेक्ड आई से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको जैसे इसमें फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, अमीबिया है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप से ही ये अमीबिया हमें दिखाई देता है। अमीबिया हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। ये आपका क्या है, अमीबिया है। इसकी जो बाहर की जो बाउंड्री होती है इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस। जैसे आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस। फिर इसके अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। जैसे येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वैक्यूल्स हैं। द वैक्यूल्स इन अमीबिया आर ऑफ टू टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। दो तरह के वैक्यूल्स हैं आपको दिखाई दे रहा है, येलो वाला फूड वैक्यूल और रेड वाला कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है। फूड वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ बबल ऑफ वाटर कंटेनिंग द फूड पार्टिकल्स कैप्चर्ड बाय अमीबिया। तो फूड वैक्यूल है, इसके अंदर पानी के थोड़े थोड़े बबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अमीबिया के द्वारा फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। द कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज अ सॉल्युबल ऑफ लिक्विड। जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है ये कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड बबल्स होते हैं। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अमीबिया। इसका वर्क क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कि अमीबिया के बॉडी के अंदर जो भी पानी प्रेजेंट होता है उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अमीबिया इज डेट इट हैज नो फिक्स्ड शेप। इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। इट द शेप ऑफ अमीबिया कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। इसकी जो शेप है वो बहुत जल्दी बदलती रहती है। द शेप ऑफ अमीबिया चेंज बिकॉज इट कैन मेक इट्स साइटोप्लाज्म फ्लो इन एनी डायरेक्शन इट टू वांट। इसकी शेप क्यों चेंज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसी भी डायरेक्शन में बदलता रहता है। जब डायरेक्शन में बदलता रहेगा तो उसकी शेप भी चेंज होती रहेगी। द बॉडी ऑफ अमीबिया हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड फिसोफोडिया और फॉल्स फीट। आपको जैसे ये दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं फिसोफोडिया, फॉल्स फीट बोलते हैं। अमीबिया कैन प्रोड्यूस फिसोफोडिया ऑफ एनी साइड बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन देयर साइड। साइटोप्लाज्म की साइड से थोड़ा भी पुश, कहीं से भी पुश होता है तो हमारा क्या बन जाता है, फिसोफोडिया बन जाता है। साइटोप्लाज्म अगर इधर की साइड पुश करेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिसोफोडिया हो जाएगा। तो इसकी भी शेप जो फिक्स नहीं है, ये किसी भी तरह से अमीबिया में बन जाता है। अमीबिया मूव्स वेरी स्लोली विद द हेल्प ऑफ फिसोफोडिया विच कीप्स ऑन अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग व्हेन इट्स मूव। जो अमीबिया है वो फिसोफोडिया की हेल्प से क्या करता है, मूव करता है। ये कभी कभी दिखाई, जब मूव करता है तो कभी कभी दिखाई देता है और कभी कभी डिसअपीयर, यानी गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। अमीबिया ऑल्सो यूजेस इट्स फिसोफोडिया टू कैच द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। फिसोफोडिया का वर्क क्या होता है, इसका काम और होता है कि जो खाना है अपने आस पास अपने अंदर रख लेता है और उसे खाने को कैच कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अब देखिए फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबिया। अमीबिया जो है फीड कैसे करते हैं, खाता कैसे और उसका डाइजेशन इन पाचन कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। अमीबिया ईट्स स्किनी प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन पॉन्ड्स वाटर वेयर इट्स लीव। अमीबिया जो है तालाब के पानी में रहते हैं तो उसके अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनको वो खाते हैं। अमीबिया टेक्स इन फूड बाय यूजिंग फिसोफोडिया। अभी मैंने आपको बताया जो अमीबिया है वो फिसोफोडिया की मदद से खाना लेते हैं। When a food particles come near amoeba, then amoeba produces two physophidia around the food particles and surround it. जैसे ही अमीबिया के पास खाना आता है तो फिसोफोडिया क्या करते हैं, दो फिसोफोडिया निकल के आते हैं, तो क्या करते हैं, वो खाने के पार्टिकल्स को घेर लेते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये अमीबिया है, खाना इसके पास आया, ये दो फिसोफोडिया बन गए और इन्होंने क्या किया, खाने को
अपने आसपास ले लिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है देखिए, द टू फोसिफेडिया देन जॉइन अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड ट्रैप द पार्टिकल्स विद अ लिटिल वाटर फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स इनसाइड द अमीबिया। फिगर नंबर टू में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फोसिफेडिया ने क्या किया है, उस खाने को फूड वैक्यूल्स के अंदर पहुंचा दिया, यानी कि उसे पहले तो बंद कर लिया, ट्रैप कर लिया, फिर उसे फूड वैक्यूल्स के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। द फूड वैक्यूल इज लाइक टेम्परेरी स्टोमक ऑफ अमीबिया, जो फूड वैक्यूल है वो टेम्परेरी स्टोमक है अमीबिया का, ठीक है ना। द फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, जो खाना है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। दिस हैपन्स एज फॉलोज, कैसे होता है वो देखिए। द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इन द फूड वैक्यूल्स, जो साइटोप्लाज्म के आसपास जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं, ठीक है ना। द डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक द फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क क्या होता है, वो खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे इस फिगर में, देखिए ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो उसके फूड वैक्यूल्स के अंदर खाना चला गया, उसके अंदर एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स क्या वर्क करेंगे, जो खाने को है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे और उसे डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। इन दिस वे द फूड गेट डाइजेस्टेड, इस तरह से फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। द डाइजेशन फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल्स इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होता है, जो डाइजेस्टिव खाना है फूड वैक्यूल के अंदर, जो डाइजेस्टिव खाना है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। देखिए जैसे कि ये खाना था यहाँ पे, अभी क्या है, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अब डिफ्यूजन, डिफ्यूज आउट में से होता है फैलना, निकलना, तो जो खाना क्या है डिफ्यूजन पूरे उसमें फैल जाएगा, जैसे आपको फिगर नंबर सी में दिखाई दे रहा है। After the absorption of the food vacuoles disappear, जब खाना absorb हो जाएगा तो food vacuole है वो disappear यानी कि गायब हो जाएगा। The absorbed food is used to the production of energy, maintenance and growth of amoeba, जो absorbed food है वो किस काम आएगा, energy produce करेगा, amoeba की growth को बढ़ाएगा और उसे maintain रखेगा, ठीक है ना। जैसे आप 11 figure number D में देखिए, जो आप food vacuoles है उसने energy gain कर दी, तो क्या होगा, जो food vacuole है वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया यानी कि गायब हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अमीबिया हैज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड, अमीबिया की कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं है कि जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो भोजन पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको बाहर निकालने की कोई भी फिक्स्ड प्लेस नहीं है। व्हेन अ कंसीडर्ड अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड अमीबिया, देन इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सडनली रैप्चर एट एनी प्लेस द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबिया। जैसे कि कोई अनडाइजेस्ट फूड है वो अमीबिया में कलेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अचानक से रैप्चर यानी एक जगह से किसी से फटने लगती है, अनडाइजेस्टेड फूड के वहां से अमीबिया की बॉडी से निकलने लगता है, जैसे कि आपको फिगर नंबर ई में दिख रहा होगा। यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, रैप्चर हो गई है यानी फट गई है, तो जिससे क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। अ सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबिया एंड ह्यूमन बींग्स इज दैट इन बोथ केस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इंसान के अंदर ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन और अमीबिया का डाइजेशन क्या है, कुछ एक जैसा है, जैसे कि एक न्यूट्रिएंट्स एक तरह के लेते हैं, जैसे कि कोई भी हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, पहले वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। ये तो सिमिलरिटी हो गई अमीबिया की और ह्यूमन बींग्स की, और उनका डिफरेंस क्या है कि अमीबिया का कोई भी माउथ नहीं होता और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट ह्यूमन का माउथ भी होता है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है, डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, कैसे होता है ह्यूमन्स में, कैसे होता है एनिमल्स में, कैसे होता है अमीबिया में, कैसे होता है। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आप इसको ढंग से समझिएगा, थैंक यू।